Hello children, welcome again in your English class. Let's start today's class. Today's date is 15th of October 2020. Day is Thursday. Subject is English language again, and our topic is lesson number 8 yes no questions. Part 2. This is our part 2. In our part 1, we had studied how to do the how to answer the questions in yes. Okay. And I had told you some rules Yes Sabse pehle You remember that you have to use the same verb. इन द आंसर आंसर जो क्वेश्चन में वर्ब दी गई है उसी वर्ब को आपको आंसर में यूज करना है एंड इफ देन ही शी इट दे एंड ऑल दिस क्वेश्चन हाउ यू हैव टू आंसर नाउ टूडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आंसर द क्वेश्चन इन नेगेटिव और नो लेट्स टूडेज लेसन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर फोर्टी फोर ओके लेट्स स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द आंसर्स क्वेश्चन वन आर यू मेकिंग अ डॉल आंसर इज नो आई एम नॉट हैव यू सीन यू के साथ आर लगा आई के साथ एम लगेगा अगर किसी क्वेश्चन में यू के साथ आर लगा है इट इज़ कंपल्सरी दैट यू के साथ आर ही लगता है वेदर इज अ वन पर्सन और मैनी पर्सन यू के साथ ऑलवेज यूज़ आर और एम के साथ यू विल ऑलवेज यूज़ सॉरी आई के साथ यू विल ऑलवेज यूज एम अगर यू के साथ आर लगा है, तो एम के साथ सॉरी आई के साथ एम लगेगा ओके okay? ना क्वेश्चन नंबर टू इज इज रीना अ पिक्चर नो शी इज नॉट रीना इज अ गर्ल, सो शी इज सेम नॉट आंसर हम लोग कैसे नॉट में करें दो बार लगेगा एक बार नो और एक बार नॉट वर द चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स नो देवर नॉट यू के मैनी चिल्ड्रन आर देयर विल यू स्विम इन द रिवर नो आई विल नॉट अब यहाँ पे बिलकुल यू वी हैव यूज हैविलेयर ऑल्सो ओके okay. यहाँ पे एम नहीं लगेगा यहाँ पे आर नहीं लगा क्योंकि यू के साथ इसलिए एम आई के साथ भी एम नहीं लगेगा आई के साथ विल ही लगेगा जो यू के साथ लगा है कैन रडेगा वो वेल नो दे कैंट यहाँ पे हमने कैन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कैंट नाउ लेट्स स्टार्ट टूडेज एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ आंसर ईच क्वेश्चन विथ नो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नो no से करने हैं क्वेश्चन वन इज इज जॉन इन द रूम यू विल राइट द आंसर नो ही इज नॉट इसके बाद एक आपको क्या यूज करना है फुल स्टॉप नो ही इज नॉट यू विल राइट ऑल दीज आंसर इन द बुक ओनली इज ही रीडिंग अ बुक नो ही इज नॉट आर यू गोइंग टू योर फ्रेंड यहाँ पे यू के साथ आर लगा है सो so आई के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे एम सो नो I am not. Are the girls singing songs? No, they are not. क्योंकि many girls are there, so यहाँ पे they लग जाएगा. Are they dancing? No, they are not. Was a lion in its cave? Lion के साथ यहाँ पे क्योंकि I have told you in our previous lesson that animals या इस type की कोई चीज़ होगी, uh, fruits हो गए, animals हो गए या आपके Things so, okay, you will use it. So you will write the answer. No, it was not. Kiki was uh, sorry, I had used the is uh, then I saw that question me was lagato. So I had also used the was here. No, it was not. Were the boys playing a match? No, they were not. Okay. Then next is was it a holiday yesterday? अब हॉलीडे है क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे भी इट ही लगेगा नो इट वॉज नॉट ओके हैव यू अ डॉग इन योर रू हाउस अब यहाँ पे डॉग के लिए नहीं पूछा जा रहा है यू से पूछा जा रहा है सो यू विल नॉट यूज़ द इट है यू विल यूज़ यू के आप किस में चेंज कर देंगे आई में नो आई हैव नॉट और एक फुल स्टॉप नो आई हैव नॉट हैज रमोला रिबन इन हर हेयर नो शी हैज नॉट अल नॉट शुड वी टॉक टू हिम नो वी शुड नॉट तो वी हैव सीन की जो वर्ब हमने क्वेश्चन में यूज की गई है सेम वर्ब हमने आंसर में यूज की गई सिर्फ उस क्वेश्चन में हम वर्ब को चेंज करें जहाँ पे यू के साथ आर लगाएं और आंसर में हम आई के साथ एम को यूज़ करते हैं ओके अदरवाइज विद ऑल द क्वेश्चन इफ द सेम वर्ब दैट इज यूज इन द क्वेश्चन वी विल यूज़ द सेम वर्ब इन द आंसर ऑल्सो ओके चिल्ड्रेन टुमारो वी विल कंटिन्यू विद कंटिन्यू विद दिस लेसन दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू